हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वापस आप देख सकते हैं सेकंड वीडियो है आज के दिन का, बट यस इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे वापस यस बैंक के ऊपर ही वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि न्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड जो हम लोगों ने आज जंप देख ली, मतलब अगर आप यहाँ पे प्राइजिंग देखोगे शेयर के, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जंप आज हम लोगों को देखने को मिल रही। तो ये जंप के पीछे की वजह क्या है, तो यहाँ पे एक न्यूज़ सामने आ रही, उसको हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। एंड उसके वजह से हम लोग कह सकते हैं ये लगभग 40% ऐसे ही नहीं भागा है। अगर हम लोग देखते तो जो न्यूज़ आ रही थी सामने, मतलब इसके पहले का अगर हम लोग वीडियो देखते हैं, तो वो उस न्यूज़ के हिसाब से स्टॉक तो इम्पैक्ट भागना नहीं चाहिए, बट इतने बावजूद हम लोग कह सकते कि ये स्टॉक क्यों भागा है। तो उसके जो ये हम लोगों को असली वजह यहाँ पे पता चल चुकी है, हम लोग कह सकते हैं, इसका बोल सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक पहले भाग जाता है एंड न्यूज़ हम लोगों को बहुत ही लेटर ऑन मिल जाती है। तो इतनी ज़बरदस्त रैली के पीछे की वजह क्या है, एंड उसी की तरह हम लोग यहाँ पे आखिर में बात भी करेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या हम लोगों ने यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, तो ये चीज़ में मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। तो चलिए डायरेक्टली आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसके वजह से हम लोगों को येस बैंक का शेयर लगभग 40% तक जंप करते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि ये सबसे ज़बरदस्त रैली, बड़ी जो रैली हम लोगों को देखने को मिल रही है, उसके पीछे की वजह है कि बड़े इन्वेस्टर की यहाँ पे बात की जा रही है। यस दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हम लोग कह सकते हैं, इसमें तीन बड़े यहाँ पे बैंक्स आ रहे येस बैंक में निवेश करने के लिए। एंड अगर आप उनका नाम देखोगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्यों शेयर के प्राइस में हम लोग को ये जंप देखने को मिला है। वापस कहूँगा, अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है, बट यस आप सभी लोगों को पता है कि न्यूज़ के चलते ही स्टॉक में हम लोग को जंप देखने को मिल जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को पता है येस बैंक के अभी Q3 के जो रिजल्ट है वो बहुत ही डिले कर चुके थे, पोस्टपोन कर चुके थे, तो उसकी भी डेट सामने आ चुकी है। अगर आप BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो आप देख सकते हैं 14 मार्च को यहाँ पे येस बैंक के रिजल्ट आने वाले Q3 के। तो शायद से मैंने कल बताया होगा, पता नहीं, ये कल की न्यूज़ है, बट येस अगर मैंने मिस आउट किया होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 मार्च को यहाँ पे रिजल्ट येस बैंक के होने वाले हैं। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा क्या रिजल्ट के वजह से, मतलब डेट बताई इसके वजह से भागा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। रिजल्ट थोड़ी ना इनके TCS रिलायंस जैसे रिजल्ट रहेंगे इनके कि ज़बरदस्त भाग जाएगा। ऑब्वियसली रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे ज़बरदस्त प्रोविजनिंग भी देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल जो रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं वो हमारे सामने पेश हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं कि ज़बरदस्त रैली के पीछे की कि हम लोग एक बड़ी वजह यहाँ पे ज़रूर देख सकते हो। सबसे पहली बात, येस बैंक रिवाइवल प्लान यहाँ पे फाइनलाइज हो चुका है टू इंक्लूड द इक्विटी एंड डेप्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जरूर रहेगा। यहाँ पे फाइनलाइजेशन प्लान यहाँ तो फिलहाल बोला तो जा रहा है, पता नहीं शायद से इसमें कोई चेंजेस भी हो सकते हैं, बट फिलहाल तो यहाँ पे उसका रिवाइवल प्लान, रिवाइवल मतलब वापस उसको जिंदा खड़े करने के लिए जो प्लान है वो ड्राफ्ट किया था वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, जिसमें आप लोग ने वापस देख लिया डेप्ट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन जरूर रहेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ फाइनलाइज अ रिवाइवल प्लान फॉर एन येस बैंक वेयर नॉट जस्ट कैपिटल बट ऑल्सो funding the lines will be the finalized to ensure that there is a no liquidity issue on a raising the moratorium. So दोस्तों, ये बहुत important चीज़ है, ये बहुत important पैरा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ इक्विटी नहीं डाली जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट जस्ट अ कैपिटल रेज, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी नहीं डाली गई, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे फंडिंग भी डाली जाएगी, मतलब हम लोग कह सकते हैं डिपॉजिट से रिलेटेड भी लिक्विडिटी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं येस बैंक को प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे फिलहाल तो मोरेटोरियम पीरियड चल रहा है, मोरेटोरियम पीरियड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, जिसको हम लोग कोमा पीरियड बोलते हैं। कोमा मतलब आप सभी लोगों को पता है कोमा में ना बॉडी मूव करती है कुछ नहीं, बट वो जिंदा रहती है। वैसे ही अगर किसी को मोरेटोरियम पीरियड में डाल देते हो ना, तो वहाँ पे आप डिपॉजिट कुछ कर सकते हो, ना तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, मतलब अगर कुछ भी चीज़ें करनी है आपको तो जो रिस्ट्रिक्शंस रहेगी उसके हिसाब से आप लोगों को करना पड़ेगा। मतलब RBI ने देख लिया आप 50,000 का रिस्ट्रिक्शन लगाए, उसके हिसाब से आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर येस बैंक के ऊपर कोई केस रहेगा तो वो स्टे ऑर्डर आ जाएगा, ना आप कोई येस बैंक के ऊपर नया केस डाल सकते, तो उसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। तो कंप्लीटली उस पीरियड में बैंक को रिवाइवल के लिए एक फोकस कॉन्सेंट्रेशन किया जाए, उसको यहाँ पे मोरेटोरियम पीरियड बोला जाता है। सो जैसे ये मोरेटोरियम पीरियड हट जाएगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि बहुत सारे लोग इसमें पैसा निकालना शुरू करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे येस बैंक में बहुत ज़बरदस्त फंडिंग भी की जा सकती है। सो ये अच्छा प्लान है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, वरना आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे सब लोग पैसा निकाल देंगे तो सिर्फ बैंक यहाँ पे जिंदा खड़ा हो जाएगा, जैसे कि इक्विटी मिल गई, बट अगर अंदर डिपॉजिट्स ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आगे जाके बैंक कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। सो एक अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे देख सकेंगे सिर्फ यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, उसी के साथ साथ फंडिंग भी यहाँ पे डिपॉजिट्स के वे में यहाँ पे हम लोगों को येस बैंक में आती हुई देखने को मिल सकती है।
तो क्या इस वजह से यहाँ पे बैंक भागा है? तो जैसे मैंने कहा, इस वजह से नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करने वाले, तीन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का नाम यहाँ पे सामने आ चुका है, तो वही यहाँ पे हम लोगों को देखना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये पैरा पढ़ोगे, इन द टर्म्स ऑफ अ प्लान फाइनलाइज बाय द सेंट्रल बैंक द आरबीआई विल सून अनाउंस अ कमिटमेंट फ्रॉम अ आरबीआई एंड अदर बैंक्स। आप यहाँ पे देख रहे हो एंड अदर बैंक्स। सो ये अदर बैंक्स में कौन है? सो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें है HDFC बैंक, इसमें सेकंड है ICICI बैंक, एंड थर्ड है इसमें कोटक महिंद्रा बैंक। इन तीन दिग्गज बैंक का, जो इंडिया के टॉप थ्री प्राइवेट बैंक है, इन्हीं का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि येस बैंक में यहाँ पे कैपिटलाइजेशन इन्फ्लेशन के लिए मदद कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसीलिए हम लोग देख सकते हैं, ये सारी बैंक आके यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें 20,000 करोड़ तक का कैपिटल रेजिंग के रिलेटेड इक्विटी हम लोग कह सकते हैं बेस यहाँ पे बन जाएगा, इसके लिए यहाँ पे काम करने वाले। एंड बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, तभी आपको बोला था कि येस बैंक में SBI तो बात करी कि 2,000 करोड़ का वो कैपिटल डालने वाले, बट 2,500 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है, वो जस्ट एक नाम मात्र के लिए रह जाएगा। अभी आप देख सकते हो 20,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्लेशन, हम लोग ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे दिग्गज बैंक का नाम अगर सामने आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, बट हम लोग अभी तक फाइनल नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी यहाँ पे RBI की तरफ से पूरी तरीके से अनाउंसमेंट करना बाकी है। सो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो 20,000 करोड़ तक का इक्विटी या तो बेस हो जाएगा, एंड उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड डे द पब्लिक सेक्टर बैंक विल इन्वेस्ट अराउंड 30,000 करोड़ इनटू द सर्टिफिकेट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ द बैंक, एंड द मोरेटोरियम विल बी द लिफ्ट ऑन द फोर्थ डे। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये जो 30,000 है, जैसे मैंने कहा था कि बैंक को पूंजी भी तो देनी चाहिए, वरना लिक्विडिटी का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि वापस वो बैंक खड़ा करने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। सो 30,000 करोड़ तक के हम लोग कह सकते हैं डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ अ डिपॉजिट यहाँ पे येस बैंक को दिए जाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग कह सकते हैं जो मोरेटोरियम पीरियड है, जो यहाँ पे कोमा पीरियड, जो कि आप 50,000 तक निकाल पा रहे हो ना, वो यहाँ पे हटा देंगे, ये लिमिट को हटा देंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे बैंक को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जिस न्यूज़ के लिए आप लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, जैसे पूछ रहे थे, द प्लान इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस एनी टाइम आफ्टर द कन्फर्मेशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यस दोस्तों, प्लान तो यहाँ पे सब कुछ रेडी तो हो चुका है, बट यहाँ पे कन्फर्मेशन, जैसे मैंने बोला है कि कन्फर्मेशन मिलना बाकी है, किससे? आप देख सकते हो बिसाइड द SBI तो है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड ICICI बैंक हैव ऑल्सो बीन साउंडेड आउट टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी ऑफ द येस बैंक। सो दोस्तों, यहाँ पे जो कैपिटल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है 20,000 करोड़ की, SBI तो पैसा डाल रही है, बट उसी के साथ साथ ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। वापस मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताना चाहता हूँ, अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्लान जो है वो एक्सपेक्टेड प्लान है, एंड यहाँ पे RBI इसको फाइनलाइजेशन करके अनाउंस भी कर सकती है, बट आफ्टर द कन्फर्मेशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब ये तीन बैंक का कन्फर्मेशन अगर उन लोगों को मिल जाता है कि आप हमारे साथ खड़े हो, तो यहाँ पे वो अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं येस बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सो आप सभी लोगों को पता है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई इंट्रोडक्शन है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक कितनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक्स है, एंड अगर यहाँ पे वो इन्वेस्ट करते इक्विटी में येस बैंक के, तो एक बहुत ही अच्छी खासी ग्रिप मिलेगी। उसी के साथ साथ ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये इसीलिए किया जा रहा है, दिस विल इम्प्रूव द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बैंक एंड द मेक इट इजियर फॉर द अदर बैंक टू द लेंड। दोस्तों, सारा खेल ये है इस वर्ड का है, थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट हो सकता है, बट बताना चाहता हूँ, क्रेडिट वर्थिनेस इस वर्ड का बहुत महत्व है। आप सभी लोगों को पता है येस बैंक की क्रेडिट वर्थिनेस बहुत ही घटिया थी, बहुत मतलब बहुत ही, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, उन्होंने भी येस बैंक के जो जितने भी रेट्स थे सब डाउन किए थे। सो यहाँ पे दो चीज़ होने जा रही है, अगर ये बैंक यहाँ पे निवेश कर जाते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो क्रेडिट वर्थिनेस रहेगी वो ये बैंक की बहुत ही इंप्रूव हो सकती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ भी रहेगी, वो बैंक के रेटिंग्स में थोड़ा बहुत सुधार कर सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि ये बैंक कितनी बड़ी है। एंड जैसे मैंने थर्ड कहा था कि यहाँ पे जो लोन देने की बात आती है, तो येस बैंक ने लास्ट टाइम कैसे लोन दिए थे, ऐसे कंपनीज को लोन दिए थे जहाँ पे कोई क्रेडिट वर्थिनेस ही नहीं है, चेक ही नहीं किया था कि वो लोन वापस रीपे कर पाएंगे या नहीं। सो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट वर्थिनेस एक बार बिल्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम लोगों को येस बैंक में देखने को मिल सकती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे तीन बैंक से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे इक्विटी से रिलेटेड बात करिए, सो डिपॉजिट सर्टिफिकेट में यहाँ पे कौन निवेश करने वाले हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अ डिपॉजिट यहाँ पे कौन, तो सम ऑफ द लार्ज पब्लिक सेक्टर, हम लोग कह सकते हैं वन ऑफ द PSU बैंक भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली सर्टिफिकेट ऑफ अ डिपॉजिट टू बिकम द पार्ट ऑफ अ देयर इन्वेस्टमेंट
पोर्टफोलियो से सारा प्लान हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि येस बैंक में वापस एक थोड़ी बहुत जान आ सकती है। सो दोस्तों, ये न्यूज़ सुनने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि येस बैंक का शेयर में वापस हम लोग को एक रौनक देखने को मिल सकती है। ये ज़बरदस्त रैली के पीछे की वजह भी हम लोग कह सकते हैं। बट वापस मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो न्यूज़ है अभी तक फाइनल नहीं हुई चुकी है, क्योंकि वापस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेल निवेशक जल्द खुश हो जाते हैं, बहुत ही जल्दबाजी कर लेते हैं। वापस मैं बताना चाहता हूँ, द प्लान इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस। ये प्लान कभी भी अनाउंस हो सकता है, एनी टाइम। मैं शायद से वीडियो बना रहा हूँ, शायद से अभी भी आ सकता है, बट आफ्टर द कन्फर्मेशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मतलब ये तीन लोगों का नाम तो सामने आ रहा है, बट उनका कन्फर्मेशन तो होना चाहिए कि क्या वो येस बैंक में यहाँ पे 20,000 इक्विटी से रिलेटेड इन्फ्लूस करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेंगे, क्या यहाँ पे वो निवेश करना चाहेंगे। सो अगर कन्फर्मेशन आ जाता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दोस्तों, जस्ट मैंने यहाँ पे न्यूज़ को कवर किया जो आप लोगों को बताने के लिए कि क्यों यहाँ पे येस बैंक का शेयर में आज हम लोग को रैली देखने को मिली है, कि ये न्यूज़ शायद से हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ हमेशा लेट आ जाती है। ये जो मार्केट के बड़े प्लेयर रहते हैं उनको न्यूज़ ये पहले ही मिल जाती है। तो वापस कह रहा हूँ, इस न्यूज़ के ऊपर भरोसा रखना है नहीं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। अभी आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या हम लोगों ने येस बैंक में निवेश करना चाहिए या नहीं। आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, मुझे बाकी लोगों को पता नहीं। फिलहाल मैं येस बैंक को इग्नोर ही करूँगा, 250 से लेके आप सभी लोगों को पता है मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ, जब तक ये बैंक पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो जाती। आप सभी लोगों को पता है अभी भी यहाँ पे हम लोग इफ़ एंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। मैं अभी भी आप लोगों को गारंटी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, अभी भी सारी चीज़ें हैं। जो प्लान जो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही सॉलिड है, बट यहाँ पे अभी भी कन्फर्मेशन आना बाकी है थर्ड पार्टी से। सो यहाँ पे कोई भी ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। सो जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को यही कहा था, येस बैंक की 3 से 4 महीने पहले की वीडियो भी देख सकते हो, जब तक रिजल्ट नहीं सामने आते, जब तक फंड रेजिंग की बातें 100% कन्फर्म नहीं हो जाती, तब तक हम लोगों ने इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी भी ये स्क्रिप्ट हम लोगों को FNO में देखने को मिल रही है। मैं के दौरान हम लोगों को ये स्टॉक निफ्टी 50 में से भी एग्जिट होते हुए देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ FNO में से भी हट जाएगा। सो जब तक वे FNO में, आप सभी लोगों को पता है बड़े प्लेयर्स होते हैं वो FNO में बहुत ज़्यादा इसको वॉलेटाइल करते हैं। सो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने संभाल के रहना चाहिए। एंड फ्रेश बाइंग की जैसे मैंने बात की, मैं खुद यहाँ पे कोई फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहूँगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कंप्लीटली फ्रीडम वो आप लोगों को ज़रूर रहेगा। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले भी बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछा है, सर अगर वो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग की बात से रिलेटेड अगर वो 3:1 का अगर हो जाता है, अगर नहीं हो जाता है, हम लोगों ने क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, वापस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग की बात है अभी तक ये कोई फाइनलाइज बात है नहीं, ये प्रपोज्ड बात है कि अगर आपके पास 3 शेयर रहेंगे वो 1 शेयर हो जाएगा एंड वो कंप्लीटली RBI के हाथ में रहेगा। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकता, इनफैक्ट कोई भी नहीं दे सकता। मतलब मैं अगर आप लोगों को फॉर एन एग्जाम्पल पकड़ के चलो, मैं आप लोगों को बोल दूंगा अरे नहीं वो 3:1 का है ना, आपके 3 के शेयर 1 हो जाएंगे, आप निकल लो, एंड बाद में समझ में आएगा कि RBI ने ऐसा कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वापस आप लोग यहाँ पे मुझे गाली दोगे कि अरे सर आपने अटका दिया। वापस अगर हम लोग दूसरा सीनारियो भी देख लेते, मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि नहीं नहीं होल्ड करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड बाद में अगर कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है 3:1 का जो फिलहाल न्यूज़ चल रहा है, तो वापस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कैपिटल का नुकसान हो जाएगा। सो ओवरऑल मैं वापस कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल बात है कि ये कम्प्लीटली RBI के हाथ में है कि उनको कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग करना है या नहीं करना, क्या उसको ही कंटिन्यू करना है या फिर कोई अदर वे से करना है। सो जितना न्यूज़ था मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, एंड ये कन्फ्यूजन है इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि जो लोग भी यहाँ पे फ्रेश बायर्स नहीं है तो अभी भी इस बैंक को अवॉइड करोगे तो ठीक रहेगा। अच्छे खासे बैंक आप लोगों को अभी भी ऑप्शन में मार्केट में मिल रहे। लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने यही गलतियां की थी येस बैंक से रिलेटेड। अभी शायद से वापस मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक आप लोग इसको अवॉइड करोगे तो आप अपना पैसे को सुरक्षित रख पाओगे, बट फाइनल डिसीजन आप ही करेगा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे निवेश कर सकते हो। सो आई आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।